दोस्तों कंटेंट अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें इसके लिए बेल आइकन दबाने के बाद ऑल पे जरूर क्लिक कर देना। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं विवेक सिंह और दोस्तों टेक्नोमिक्स सर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। विवेक आंसर्स के एक नए एपिसोड में, 112वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है, जिसमें लेने वाला हूं आपके क्वेश्चंस और देने वाला हूं उनके आंसर्स जो ज्यादा बिग बिलियन डे सेल से रिलेटेड है, मतलब कुछ यूनिक वाले भी हैं और उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं, अगर पिछले अगले हफ्ते वाले एपिसोड में आना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन लिखो, वहीं से पिक करता हूं। सबसे पहले चलते हैं पिछले हफ्ते के पोल की तरफ। मैंने कुछ स्मार्टफोन चिपसेट के नाम रखे थे एंड कहा था कोई एक पिक करो, ठीक है? उसमें स्नैपड्रैगन था, मीडियाटेक था, ए बायोनिक था और लास्ट वाला और कोई है किरीन वीरिन का या फिर ऐसा कोई गूगल का टेंसर, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है? करीब करीब 10,000 लोगों ने वोट किया है जिसमें से स्नैपड्रैगन को 73% वोट मिला, मतलब हमें 4 में से 3 आदमी स्नैपड्रैगन यूज करते हैं, बाकी 1 में बाकी सारे हैं। अच्छा, 9% मीडियाटेक वाले हैं, 16% ए बायोनिक वाले हैं और 1% अदर्स वाले हैं। इसमें से एक साहब थे जिन्होंने इंटेल भी कहा था कि इंटेल के आगे और कोई चिपसेट टिक ही नहीं सकता, इंटेल स्मार्टफोन्स। चलिए कोई बात नहीं, इस हफ्ते के एपिसोड के पोल को देख लेते हैं। ऐसे कुछ डील्स तगड़ी वाली रिवील हुई हैं, उन्हीं के ऊपर वाला पोल है कि आपके हिसाब से कौन सी अभी तक की रिवील हुई डील्स में सबसे तगड़ी वाली है। मतलब आईफोन 12 जो है कहा जा रहा है 40,000 के नीचे आएगा वो वाला, आईफोन 13 कहा जा रहा है 50,000 के नीचे आएगा वो वाला, या फिर सैमसंग का S22 जो कि कहा जा रहा है 40,000 से 50,000 के बीच में आएगा वो वाला, इसके बाद पिक्सल 6 से 27,000 पे आ रहा है वो वाला, या सैमसंग का S21 FE जो कि 32,000 पे आने वाला है सारे ऑफर्स ले आके। जाइए कम्युनिटी सेक्शन में पोल करके बताइए आपके हिसाब से सबसे तगड़ी वाली डील इन सब में कौन सी है, और कोई है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए वहां पे जाके कम्युनिटी सेक्शन। चलिए अच्छी बात है, ज्यादा वेस्ट नहीं करते हैं। काफी ज्यादा क्वेश्चंस लिए मैंने इस बार 20 के आसपास कुछ, तो टाइम लगेगा इसलिए फटाफट करते हैं। पहला क्वेश्चन है चंद्रहास कंवर की तरफ से, आपका आवाज अधिकतर क्यों बैठ जाता है विवेक भाई? ये पिछले 2 महीने से कंटिन्यू हो रहा है, 2-2.5 महीने से। अब होता क्या है कि मेरी आवाज एक्चुअली बहुत तेज है, मतलब लिटरली नेचुरली बहुत तेज आवाज है। स्कूल में पढ़ाता हूँ, कॉलेज में पढ़ाता हूँ, दोनों चलता है ना, तो वहाँ पे अक्सर क्लास में, बड़ी क्लास में चिल्लाना पड़ता है आवाज के लिए, उसके ऊपर फिर बहुत सारी चीजें। और मेरे खाने की आदतें बहुत खराब है, 2 सेशन स्कूल कॉलेज का, फिर ये वीडियो, तो कभी भी कुछ भी मिलता तो खा पी लेता हूँ ऐसे टाइप, तो ठंडा गर्म एक साथ हो जाता है, तो उसकी वजह से अक्सर मेरी आवाज़ बैठी रहती है। बहुत सारे रीजंस हैं एंड बहुत सारे लोग कहते हैं ठीक होने के लिए थैंक यू वेरी मच, बट ये एक रीज़न है, पिछले 2 महीने से चल रहा है। उसके पहले तो कभी इशू नहीं हुआ पिछले 2-2.5 साल में, लेकिन 2 महीने से काफ़ी ज़्यादा चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरफराज अलियानी की तरफ से, विवेक आंसर्स, चाइनीज़ फ़ोन में बैंकिंग एप्लीकेशन यूज़ करना जैसे जीपे पेटीएम सेफ रहेगा? मैं अपना इन्फिनिक्स में यूज़ कर रहा हूँ, चाइनीज़ तो नहीं है बट हांगकॉन्ग का है, तो हांगकॉन्ग अभी अंडर चाइना आ गए तो आप कह सकते हो चाइनीज़ ब्रांड है। बट एक चीज़ है, जो अभी चाइना के इश्यूज चल रहे हैं, हाँ हैं इश्यूज, लेकिन अभी तक ऐसा फाइनेंशियल अभी तक कोई प्रॉब्लम किसी भी ब्रांड की तरफ से नहीं आएगी, किसी का पैसा फ्रॉड हो गया हो या फ्रॉड हो गया हो उसके स्मार्टफोन ब्रांड की वजह से, ठीक है? तो अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड की वजह से, तो अभी तक के लिए तो मेरे हिसाब से ठीक है, अभी तक ऐसा कोई प्रॉब्लम तो आया नहीं। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा तो सिक्योरिटी वाले लोग ज़्यादा बेटर रहेगा, अब फ्यूचर में कुछ हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लॉस गेमर की तरफ से, सर रियलमी जी टी नियो 3D की प्राइस कितनी होगी? सारे ऑफर्स लगे 23,000 पे आ रहे हैं, कुछ 30,000 पे लॉन्च हुआ है एंड पहले सेल में सारे ऑफर्स लगे 23,000 पे आ रहे हैं, कार्ड वार्ड ऑफर सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजुकेशन हंगर की तरफ से, सर प्लीज सजेस्ट मी 14K 5G मोबाइल इन फ्लिपकार्ट बीबीडी, पोको X4 5G है और मोटो का G71, ये दोनों सारे ऑफर्स लगे 14,000-14,500 तक आ रहे हैं, दोनों अच्छे हैं, देख सकते हो अपने अपने प्लस पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिस गेमर की तरफ से, IQOO Z5 अभी लेना सही रहेगा? सारे ऑफर्स लगा के 17,000-16,000 तक आ जाए ना, कड़क डील है, स्नैपड्रैगन 778G उस प्राइस के हिसाब से कड़क है, UFS 3.1 है, LPDDR5X है, सब कुch है, बहुत अच्छी डील है। अगर 16-17 तक मिलता है सारे ऑफर्स लगे, 18 के ऊपर गया तो मैं कहूँगा ठीक ठाक सा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सचिन कुमार की तरफ से, इज इट स्टिल वर्थ टू बाय सैमसंग A52S? सारे ऑफर्स लगे 23-24 तक आ रहे हैं, ले लो, मतलब 20 के जितना क्लोज रहेगा उतना है, 25 या उसके ऊपर जा रहा है, 25 तक ठीक है, उसके ऊपर जा रहा है तो फिर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीनाथ यादव की तरफ से, भाई पिक्सल 6 से जस्टिफाई कर रहा है इस प्राइस पे? दो तरह के बायर्स होते हैं, एक होते हैं जिनको क्वालिटी चाहिए होती है उनके लिए सही है, मतलब अगर आपको स्टॉक कैमरा चाहिए क्लीन एकदम एंड UI क्लीन चाहिए तो आपके लिए सही है, अदरवाइज अगर आपको भारी भरकम स्पेसिफिकेशन वाले हो तो उस प्राइस में आपको उससे अच्छे स्पेसिफिकेशन वाले फ़ोन मिल जाएंगे, लेकिन आपको क्वालिटी चाहिए, ठीक है, वो सब चीज़ें UI के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते ऐड वेड के, तो अच्छा फ़ोन है, देख सकते हो उसकी तरफ, तो जस्टिफाइड है भी कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए नहीं भी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है श्रीमान दासपुत्र की तरफ से, कंसीडरिंग द फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स आईफोन 13 इन 50K और आईफोन 12 इन 40K विच वुड बी बेटर। आईफोन 7 ईयर्स का अपडेट देता है, ठीक है, तो दोनों बेटर है। अभी आराम से 5 साल 12 चल जाएगा और 6 साल 13 चल जाएगा, इश्यूज नहीं आएंगे। सेकंड थिंग, आईफोन 12 और आईफोन 13 में बहुत माइनर डिफरेंसेस हैं, अगर आप चिपसेट को साइड में रखते हो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस, इवन कैमरा भी ऑलमोस्ट सेम है। तो 10,000 बचा के अगर 12 लेते हो तो मैं कहूँगा ज़्यादा बेटर डील होगी, और 13 भी 50,000 के हिसाब से खराब डील नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से 12 जो है वो ज़्यादा बेटर है। दोनों 5G हैं, कोई ऐसा भी इशू नहीं है, मेरे हिसाब से 12 जो है वो ज़्यादा बेटर डील है रादर देन आईफोन 13। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लता भट्ट की तरफ से, सैमसंग S20 FE वर्सेस आईफोन 12 वर्सेस आईक्यू 9 SE, प्राइस के हिसाब से जाइए जिसका जो प्राइस है। देखिए आईक्यू 9 SE मेरे ख्याल से 34,000 के आसपास आ रहे हैं, S20 FE जो है ये आपको करीब करीब आईक्यू 9 SE जो है 30,000 के आसपास मिल रहा है, सॉरी, एंड S20 FE जो है 32,000 पे है, एंड आईफोन 12 जो है 40 लगा रहे हैं। तो जैसे जैसे प्राइस है वैसे वैसी क्वालिटी है, उस हिसाब से समझ लो। सबसे ऊपर मैं आईफोन 12 को रखूंगा, वैसे फैन नहीं हूं मैं आईफोन का, लेकिन स्टिल यहां पे मैं उसको ऊपर रखूंगा। S20 FE विल बी सेकंड एंड थर्ड विल बी आईक्यू 9 SE। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जया चौधरी की तरफ से, आईक्यू नियो 6 24,000 तक आ जाएगा ना सर? मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए, मेरे हिसाब से 22 तक आ जाना चाहिए सारे ऑफर्स लगाकर, 22-23 के तक। अगर उतना तक नहीं आया तो बहुत ज़्यादा ऑफर नहीं कहूँगा, 24 तक तो आना ही चाहिए, मेरे हिसाब से आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड बल्ब गेमर की तरफ से, सर आईक्यू नियो 6 और आईक्यू 9 SE, आईक्यू 9 SE ज़्यादा बेटर है? दोनों में से आप पूछ रहे हो कौन सा बेटर गेमिंग के लिए? दोनों कड़क है, मतलब दोनों में कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं आपको, लेकिन अगर दोनों को कंपेयर करोगे तो 9 SE ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उसका GPU बेटर है ना, स्नैपड्रैगन 888 है उसमें, उसका GPU एड्रीनो 660 का है और एड्रीनो 650 का आपको इसमें मिलता है। तो दोनों कड़क हैं, ऐसा नहीं कि खराब है, दोनों अच्छे हैं, लेकिन दोनों में अगर आप कंपेयर करोगे तो वो ज़्यादा बेटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नेहा त्रिपाठी की तरफ से, दादा बेस्ट मोटोरोला फोन अंडर 20K, आई एम नॉट अ गेमर, दो हैं, एक तो है मोटो G82, ये आपको 20-21,000 तक आता है तो ऑफर लगा के आपको उसके नीचे आ जाएगा, एंड एक है अगर आपको वो वाला 20-21,000 तक मिल जाए तो मेरे हिसाब से काफ़ी तगड़ी डील रहेगी, मोटरोला का एज 20 जो पुराना वाला है थोड़ा सा, तो ये मेरे ख्याल से 23-24,000 तक आया हो शायद, सारे ऑफर्स लगा के 21-21 तक आ जाए ना अगर, बहुत अच्छी डील होगी मेरे हिसाब से, उसकी तरफ भी देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राहुल की तरफ से, अपार्ट फ्रॉम सॉफ्टवेयर एंड क्लीन UI कैन आई प्रेफर इन्फिनिक्स नोट 12 अबव मोटो G31? उन दोनों को अगर छोड़ दिया जाए तो ऑब्वियसली ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उसमें फास्ट चार्जर आपको ज़्यादा बेटर मिलता है 33 वाट वाला, एंड इसके साथ साथ डिस्प्ले बड़ा है 6.7 इंच का, और सबसे बड़ी बात है कि चिपसेट बेटर है, इसमें G88 का है उसमें G85 का है, तो चिपसेट भी ज़्यादा परफॉर्मेंस बेटर देता है। तो अगर वो दोनों को UI को अगर आप साइड में रखते हो तो ऑब्वियसली ज़्यादा बेटर है इन्फिनिक्स का स्मार्टफोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आकाश बजाज की तरफ से, सर बेस्ट कैमरा फोन, मेरा बजट 40,000 है, कैमरा नेक्स्ट लेवल हो, आप S22 का वेट कर लो, देखो किस प्राइस पे आता है, ये मेरे ख्याल से 45,000 के अंदर आपको मिल जाए, या फिर 40,000 का बजट है तो आईफोन 12 ले लो, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं चाहिए तो आईफोन 12 40 तक आ जाएगा, काफ़ी अच्छा रहेगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आशीष शर्मा की तरफ से, क्या रैम फोन को हैंग होने से बचाता है या सिर्फ परफॉर्मेंस है? ऑब्वियसली हैंग होने से बचाता है, रैम का मतलब है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जितनी ज़्यादा एप्लीकेशन आपके उसमें चल रही होंगी उनको चलाने का काम अच्छे से रैम करता है, ठीक है, तो जितना ज़्यादा रैम रहेगा उतना ज़्यादा एप्लीकेशन आप एक साथ चला पाओगे, तो वही होता है, बहुत सारी चीज़ें काम होती हैं रैम की, हैंग से भी समझ लो बचाता ही है रैम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैक पांडा फिटनेस की तरफ से, मोबाइल ऑर्डर करने पर सोप आ गया तो क्या करें? आप जब भी मोबाइल ऑर्डर कर रहे हो, महंगा वाला अगर कर रहे हो तो लिटरली उस पर ऑप्शन आ रहा है आपको, मैं देखा मैंने फ्लिपकार्ट पे ओपन बॉक्स का, तो वहाँ पे डिलीवरी बॉय आपको ओपन करके दिखाएगा लिटरली, अगर आप वो वाले लेते हो ऑप्शन, नहीं भी अगर ऑप्शन है तो आप उसको बोलो ओपन करने के लिए, 10 में से 2-3 केसेस में ओपन कर देते हैं वो लोग, और नहीं कर रहा है वो तो वीडियो बनाना चालू करो, एंड जब से उससे लिया तब से वीडियो बना के लेके आओ, सामने कैमरा के सामने ओपन करो और वीडियो अपने साथ रेडी रखो, एंड ये फ्लिपकार्ट को सेंड करो अगर उसमें निकलता है तो, और नहीं करता तो फिर पुलिस कंप्लेंट कर देना, सारी चीज़ें, वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा उस चीज़ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रोहन कुमार की तरफ से, सर आईक्यू 9 SE लूँ या रियलमी G2? आईक्यू 9 SE ज़्यादा बेटर है, दोनों अच्छे हैं अपनी प्राइस पे, स्पेसिफिकेशन काफ़ी मैच करते हैं, दोनों में एक चीज़ ऊपर एक चीज़ नीचे है ऐसा ही है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर पूछोगे मेरा पर्सनल बेस्ट मेरे हिसाब से आईक्यू 9 SE है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राकेश किरतोनिया की तरफ से, सर 20 के प्राइस में सैमसंग गैलेक्सी M53 लेना सही होगा? 20,000 तक ठीक ठाक सा है, मतलब है ठीक ठाक सा, सैमसंग का फ़ोन है, सारी चीज़ें अच्छा है, बहुत ख़राब नहीं कहूँगा, अच्छा कहूँगा, बहुत अच्छा भी नहीं बहुत ख़राब भी नहीं, अच्छा फ़ोन, अच्छी डील है। चलिए हो गया सारे क्वेश्चन ख़त्म हो गए, आप वाला है कि नहीं जरूर बता देना, नहीं आया और यूनिक क्वेश्चन है तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, वहीं से पिक करता हूँ पॉसिबली अगले एपिसोड में,
एंड कैसा लगा वीडियो ये भी बता देना, पसंद आया कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना क्यों पसंद है, और कम्युनिटी सेक्शन में जाके पोल करके बताओ कि आपके हिसाब से कौन सी वाली डील इस बार सबसे तगड़ी है इन सब में। साइड में बैक डैमेज के ऊपर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और सपोर्ट कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए दोस्तों।